नमस्कार, आप देख रहे हैं मनोदर बुलेटिन और मैं आपके साथ हूं उमल शेखावत। किसान आंदोलन का सातवां दिन आज भी जारी रहा। किसानों ने कृषि कानूनों को जनवरंत बताया, उन्हें मनाने में नाकाम रहे। तीनों मंत्री आज अमित शाह से मिलेंगे। जी हां, हम आपको बता दें कि सरकार के चाय ऑफर करने पर किसान बोले धरना स्थल पर आइए, जलेबी खिलाएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में सात दिन से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को मनाने की सरकार की कोशिश मंगलवार को नाकाम रही। सरकार के साथ 35 किसान संगठनों की 3 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही। मीटिंग में सरकार कानूनों पर प्रेजेंटेशन दिखाकर फायदे गिनवाती रही, लेकिन किसान तीनों कानूनों को वापस लेने के मांग पर अड़ी रही। उन्होंने इतना तक कह दिया कि हम कुछ तो हासिल करेंगे, चाहे गोली हो या फिर शांतिपूर्ण हल। जी हाँ, किसानों ने कृषि कानूनों को डेंट वॉरेंट बताया। मीटिंग में सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश मौजूद रहे। तीनों आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इधर किसान कृषि बिलों पर अपनी आपत्तियां लिखित में सरकार को सौंपेंगे। इन पर 3 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में चर्चा होगी। 3:30 बजे किसान और सरकार की मीटिंग शुरू हुई। 4 बजे सरकार की तरफ से किसान नेताओं को चाय ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि चाह ही नहीं, हमारी मांगे पूरी करिए, आप धरना स्थल पर आइए, हम आपको जलेबी खिलाएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहे मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।